नमस्कार, मैं हूँ जमुनादास मजीठिया, जीडी, एक निर्माता हूँ और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल IFTPC का टीवी और वेब विंग का चेयरमैन। बड़ी अच्छी मीटिंग रही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव साहेब ठाकरे जी के साथ। बड़ा पॉजिटिव था उनका अप्रोच। ब्रॉडकास्टर्स और कुछ निर्माताओं ने मिलकर उनके पास अपना प्रस्ताव रखा कि अब शूटिंग शुरू होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस लॉस तो बहुत बड़ा है हर क्षेत्र की तरह। टीवी का ज़्यादा है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज का बड़ा लॉस है, बहुत सारी जॉब लॉस है, टेक्नीशियंस, क्रिएटिव्स, डेली वेज लेबर, तो उसकी चिंता व्यक्त करी और उन्होंने भी उस बात को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा सुझाव रखे जिससे हम सेफ वातावरण में शूटिंग शुरू कर पाए। पहला जो हमारा सुझाव था वो ये था कि हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेंगे। हमने इंटरनेशनल शोज़ और जैसे हमारे एक ब्रॉडकास्टर जी ने उनको सजेशन किया कि केरला, कर्नाटका, अलग अलग जगह शूटिंग शुरू होने की परमिशन दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो जो SOPs कर रहे हैं हमने भी कुछ बनाया है और आगे बनाएंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे और बहुत ही सेफ जोन में काम करेंगे। तो उन्होंने मांगा है कि किस तरह प्रिकॉशन लेके, तो हमने कुछ बातें करी है, दिए उनको SOPs। उन्होंने ये भी कहा कि सिविलाइजेशन जहाँ पे है, जनजीवन है, उसके आसपास और बीच में कहीं कोई स्टूडियोज है तो वहाँ अभी नहीं शुरू हो सकता, पर जो उससे थोड़े दूर है जैसे कि फिल्म सिटी, तो फिल्म सिटी का मुआयना किया जाएगा। और हमसे एक लिस्ट मांगा है कि ऐसे कौन से दूसरे फ्लोर्स हैं जहाँ पे शूटिंग हो सकता है, तो हम एक लिस्ट बनाएंगे, कंसीडर करेंगे, उनके लोग मुआयना करेंगे, तो वहाँ पे भी शूटिंग जल्द शुरू होने की गुंजाइश है। हमारी पोस्ट प्रोडक्शन शुरू करने की बात पर उन्होंने ये कहा कि वो खुद भी सालों पहले एडवर्टाइजिंग में उनका करियर रहा था, तो उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज देखे तो उनको लगता छोटे छोटे होते हैं, तो हमने कहा नहीं सर, अभी इतना सारे स्टूडियोज ऐसे नहीं होते, कुछ जगह बहुत बड़े बड़े और जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकता है, क्योंकि उनकी चिंता हुई थी, तो उन्होंने कहा उसका भी लिस्ट दीजिए, ज़रूर देखना चाहेंगे, तो वो भी हम लिस्ट भेजेंगे। ओवरऑल उनका रवैया बड़ा पॉजिटिव रहा है, वो सबसे अच्छी और बड़ी बात है। हमने सबसे पहले ये सारा शुरू हो उसके पहले एक और चिंता दर्शाई कि मानसून शुरू हो जाएगा तो हमारे करोड़ों के सेट्स से हैं जो अलग अलग जगह पे बने उन पे मानसून शेड का काम हम अप्रैल मई में कर लेते थे, तो वो करने का एक हमको मौका दिया जाए, एक परमिशन दी जाए, तो जब भी शूटिंग शुरू हो उसके पहले सेट्स डैमेज ना हो जाए, तो वो भी उन्होंने कहा है कि हम लिस्ट सबमिट करें और उनकी कमेटी देखेगी, तो हम सेफ्टी मेजर्स का पहले से मुआयना करके ध्यान रख सकते हैं। हर बात पे एक था अप्रोच पॉजिटिव था और कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से जिनके साथ अब हम फॉलोअप करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं। दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगा कि हम सब मिलके उम्मीद रखें कि हम सब जो उनकी भी चिंता थी और जो हमारी भी है कि सुरक्षित वातावरण में काम शुरू कर पाएं, वो किस तरह कर पाएं, हम मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द आप सभी के सामने पूरी इंडस्ट्री मिलकर फ्रेश कंटेंट जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है वो लेकर आए, ताकि आपका भी जो रीरन का फटीग है वो दूर हो जाए और बिजनेस भी बढ़े। बिजनेस बढ़ेगा तो पूरे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, पूरे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी तो हम सभी को फ़ायदा है। तो एक साइकिल है, तो चलिए वो साइकिल को थोड़ा पैडल लगाते हैं। एक बात खास कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, ये बात का पता चला। हम सब थोड़े गंभीर थे, चिंता में थे, तो उन्होंने कहा मानसिक संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है,
इस माहौल दौरान, और उन्होंने हमारी हालत को एक गाने के साथ कंपेयर किया कि माधुरी दीक्षित जी का गाना है, एक दो तीन पता नहीं कितने दिन हो गए आप लोग गिने जा रहे हो, लॉकडाउन के कितने दिन हो गए, 13 करूँ दिन गिन गिन के इंतज़ार। तो थोड़ा सा एक माहौल थोड़ा हल्का हो गया। और इसी तरह कंक्लूजन पे जब मैं कुछ इंसिस्ट कर रहा था कि सर दो छोटी बातें और, तो मुझे हंस से कहने लगे मजेठिया जी आप अभी भी दो छोटी बात बाकी है। और उन्होंने कहा एक गाने की पंक्ति कहना चाहूँगा आप सभी को, आने वाला पल इस माहौल को देखकर, आने वाला पल जाने वाला है। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को देख रहे हैं, और इसी से हमारी उम्मीद बड़ी है कि बहुत जल्द हम बहुत सुरक्षित माहौल में पूरी इंडस्ट्री साथ मिलकर आप तक नया मनोरंजन फ्रेश कंटेंट ले पाए। आज आर भल्ल की निर्देशित अक्षय कुमार जी ने जनहित के लिए, हाइजीन और पीने के पानी वगैरह के लिए, अवेयरनेस के लिए एक फिल्म बनाई है जिसका शूटिंग हुआ आज, क्योंकि जब काम शुरू होगा तो इन सारी चीज़ों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें एक दिशा में बढ़ रही है और वह आपकी दिशा में। ये शूटिंग बहुत कंटेजियस होते हैं, एक का शुरू होता है तो सभी का आहिस्ता आहिस्ता शूट शुरू होता है और फिर वो फैलता है और आपके घर तक पहुंचता है। हाँ, फ्रेश कंटेंट बहुत जल्द आपके घर तक आपके टीवी सेट पे आएगी। सिर्फ इतनी प्रार्थना करते हैं, आशा रखते हैं कि ऐसे सेफ माहौल में हम शूटिंग शुरू करें और कर पाए कि अभी दोबारा कभी ये ना रुके। और आपको, पूरे देश को ज़रूरत है अच्छे कंटेंट की, और इससे इकोनॉमी भी रिवाइव होगी, एक उम्मीद बढ़ेगी, माहौल अच्छा होगा। तो बड़ी अच्छी बात हुई है कि अक्षय कुमार जी ने मुस्कुराएगा इंडिया ऐसा दोबारा करके दिखाया। सून विल बी विथ यू। थैंक यू।